Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic different type of mortar. First one, cement clay mortar. जैसे नाम से आपको clear हो रहा है, it is the combination of cement and clay. तो इसमें जो कुछ property cement की रहेंगी, कुछ property clay की रहेंगी. First one है जो ratio क्या रहेगा है यार, clay is introduced as an effective finally ground additive in quantities, ensuring a सीमेंट क्ले प्रोपोर्शन ऑफ नोट ओवर 1:1. दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 का. जितना आप सीमेंट यूज करोगे उतना ही आपको क्ले यूज करना है. फिर क्ले की कुछ प्रॉपर्टी होती क्या रहेगा कि द एडिशन ऑफ क्ले, क्ले जो आप इसमें मिक्स कर रहे हो, इट इम्प्रूव द ग्रेन कम्पोजिशन, द वाटर रिटेनिंग एबिलिटी. ठीक है, क्या क्या करेगा, ग्रेन कम्पोजिशन को इम्प्रूव करता है, मतलब पार्टिकल का आपस में जो बॉन्ड होता है उसको इम्प्रूव करता है. वाटर रिटेनिंग एबिलिटी होती है, वाटर को रिटेन करके रखता है. एंड वर्कएबिलिटी ऑफ मोर्टार एंड ऑल्सो इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मोर्टार. दिस टाइप ऑफ मोर्टार हैज बेटर कवरिंग पावर एंड कैन बी यूज इन थिन लेयर. नेक्स्ट है मेरे पास लाइट वेट एंड हैवी मोर्टार. इसमें क्या रहेगा कि दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर्म लाइट पोर सेंड एंड पुमाइस एंड अदर फाइन एग्रीगेट. जो हमारे पास ये है पुमाइस क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पत्थर का जो एक प्रकार से चूना होता है, जब आप उसको तोड़ देते हो जो पत्थर का चूना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुमाइस, यानी ब्रोकन स्टोन एक प्रकार से. ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग वुड पाउडर. तो पत्थर के चूने में जब आप वुड का पाउडर मिक्स करते हो, क्लियर समझाएं कि पत्थर का जो पाउडर होता है, जो स्टोन पाउडर होता है उसको आप पुमाइस बोल रहे हो, उसके अंदर जब आप वुड पाउडर मिक्स करते हो तो दैट इज द, हमारे पास क्या रहेगा, लाइट वेट मोर्टार. नेक्स्ट है वुड सेविंग और जो सार डस्ट है विद सीमेंट मोर्टार और लाइम मोर्टार इनसेट मोर्टार. फाइबर ऑफ जूट कॉर एंड हेयर कट इन टू पीसीज ऑफ सुटेबल साइज और एस्बेस्टस फाइबर कैन बी यूज. दिज मोर्टार हैव बल्क डेंसिटी लेस देन 15 kN/m². क्लियर, लाइट वेट समझ आए, किसका मिक्सचर है ये हमारे पास, वुड पाउडर का और स्टोन पाउडर का. नेक्स्ट है हमारे पास हैवी वेट मोर्टार. दिज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैवी पार्टर्स. अब जैसे हमने लाइट की बात की तो लाइट में इन्होंने पुमाइस यूज किया जो कि स्टोन पाउडर था, लेकिन यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं हैवी पार्टर्स और अदर सैंड. दे हैव बल्क डेंसिटी ऑफ 15 kN/m³ और मोर. दे आर यूज इन लोड बेरिंग कैपेसिटी. जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है हमारे पास हैवी वेट मोर्टार है, तो ये लोड बेरिंग कैपेसिटी का जहाँ वर्क होता है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास डेकोरेटिव मोर्टार. ये भी नाम से समझ आ रहा है आपको कि जो डेकोरेशन पर्पज के लिए हमारा यूज किया जाएगा. दीज मोर्टार आर ऑब्टेंड बाई यूजिंग कलर सीमेंट और पिगमेंट एंड फाइन एग्रीगेट ऑफ अप्रोप्राइट कलर टेक्स्चर एंड सरफेस. नेक्स्ट है फिर एयर इंट्रेंड मोर्टार. एयर इंट्रेंड ये भी नाम से क्लियर हो रहा है कि एयर इंट्रेंड मतलब कि एयर को एक प्रकार से आप अंदर डाल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि द वर्किंग क्वालिटी ऑफ लीन सीमेंट्स एंड मोर्टार कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंट्रेनिंग एयर इन इट. जो सीमेंट और सैंड का आपके पास मोर्टार होता है, जो पेस्ट होता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उसके अंदर क्या करते हो, एयर इंट्रेंड करते हो. कैसे कि उसमें आप इस तरीके से जो केमिकल यूज करते हैं कि वो अंदर जाके बबल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एक प्रकार से आप इस टाइप का एक डिटर्जेंट हम कह सकते हैं, वो डिटर्जेंट आप या फिर एजेंट एक प्रकार से ऐसे मिक्स किए जाते हैं कि वो कंक्रीट के जब अंदर जाते हैं तो हवा के बुलबुले बना देते हैं. ठीक है, और बनाने के बाद वहाँ से एक उसमें मिक्स हो जाते हैं, एक पेस्ट तैयार हो जाता है. इसको हम क्या बोलेंगे, एयर इंट्रेंड मोर्टार. द एयर बबल्स जो बने हैं अभी मैंने आपको बताया, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बाइंडर पेस्ट. वो जो पेस्ट की वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं एंड हेल्प टू फिल द वॉइड्स इन द सैंड. द एयर इंट्रेनिंग ऑल्सो मेक द मोर्टार वेट एंड ए बेटर हीट एंड साउंड इंसुलेशन. क्लियर, ओके, थैंक यू.